नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। देश में लॉकडाउन जारी है, लाखों प्रवासी मजदूर विभिन्न प्रदेशों में फंसे हैं और वो अपने घर किसी भी हालत में पहुंचना चाहते हैं। इसी आस में मजदूर अपने क्षेत्र के सांसद और विधायकों को फोन लगाकर मदद की गुहार लगा रहे हैं। इसी कड़ी में पंजाब में फंसे एक मजदूर ने जब घोसी से बीजेपी के विधायक विजय राजभर को फोन लगाकर मदद की गुहार लगाई, लेकिन जब विधायक के जवाबों से मजदूर संतुष्ट नहीं हुआ तो उसने सीएम योगी का फोन नंबर मांग लिया। फिर सुनिए मजदूर और विधायक में क्या क्या बातें हुई। हेलो, हाँ सर जी नमस्कार, मैं सूरज भरद्वाज बोल रहा हूँ। सर बताए भैया। भाई साहब, यहाँ 1,05,000 रुपए बस बुकिंग किए हैं हम लोग। और बतलाइए आप, बीजेपी सरकार होके क्या कर रहे हैं आप लोग? ना योगी जी कर रहे हैं, ना मोदी जी कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं? अनिल यादव का कैबिनेट मंत्री से बात हुआ, आप लोग बात ही नहीं समझते। गरीब आदमी, गरीब आदमी होता क्या चीज है जी? आप लोग हाँ कर देते हैं कि कोई न्यूज वाले को जवाब ही नहीं दे रहे जी, ये क्या मतलब बनता है सर? हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं, आप लोग समझ नहीं ये बात? 1,00,000 रुपया योगी जी देंगे कि आप देंगे कि कौन देगा जी? उनको रसरा जबर देगा, कौन देगा? कोई नहीं देगा भैया। क्यों नहीं देगा जी? जब गरीब आदमी फंसा हुआ मजदूर के लिए राहत मिल रहा है, पैकेज अलाउंस किया हुआ है, तो पैकेज में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी बोले हैं कि सूरज भरद्वाज चाहे आपको बोले हैं कि विजय राजभर जी आपको इतना योजना मिल सकता है, तो हमारे भाई साहब यहाँ पे खड़े हुए हैं, सब खड़े हुए राजभर समस्त के परिवार में। मैं कल रिक्वेस्ट किया था, आप लोग रिक्वेस्ट सुने हमारा? कहाँ सुना जा रहा है आपका रिक्वेस्ट? मैं 50 बार भेज चुका हूँ सर, आप क्या रिक्वेस्ट समझेंगे? आप लोग ये कहते हैं हाँ जी हाँ जी हाँ जी कहने से नहीं होता सर, पहले बात सुनिए। हमारी बात ये है कि कल 20 आदमी पैदल चला गया और 20 आदमी बस से गया, और आज 1,05,000 रुपए में हमने गौरव ट्रांसपोर्ट से बात किया। हम ना कोई मंत्री है, ना कोई नेता है, ना विधायक है, ना कोई कुछ है। हम लोग यहाँ गरीब आदमी है। जो आदमी गरीब आदमी जाएगा उसका कोई वैल्यू नहीं है। आप लोग वोट लेने के लिए आ जाएंगे? बीजेपी का सरकार क्या जसवल देव का, क्या कांग्रेस का? कहाँ घर है आपका? मेरा घर रोहना है जी। हाँ? रोहना है घर, रोहना, रोहना गौरव। कौन जिला में? जिला बलिया हो। हाँ तो बलिया, तो हमारे मऊ जिला में कुल 15,000 लोग आ गए ट्रेन से। 15,000 तो गाँव का लोग आ गए ना। अब यहाँ जन उमर संग्र सिंह से बात भाई ले लियो, तो उम्र का उमर संग्र सिंह सुनते नहीं खान, तू सुनते नहीं खा, अनिल कैबिनेट में तो सुनते नहीं किया, तू पत्र अपने गांव का के लिए, तो तेरे गांव का हो गई ना। कहत चलाने की 15,000 लोग आ गए ना, तो मुझे अगर ट्रेन से आने के इंतजार करो, ट्रेन आई हुई कोई किसी नहीं। इंतजार करो, इंतजार कर ले, साला खाने नहीं मिलते हो, इंतजार कर जी। एक आध दिन लोग इंतजार कर लो, ट्रेन आई हुई कोई किसी नहीं। भाई साहब ये गलत चीज है, आप मान लीजिए राजभर जी बोले ये चीज गलत बोल रहे हैं आप। मेरे को क्या रिक्वेस्ट भेजा था? मैंने कहा योगी जी का नंबर दीजिए। आप लोग कोई विधायक बीजेपी का योगी जी का नंबर नहीं दिया? क्यों नहीं दिया जी? योगी जी का नंबर नहीं है भाई। योगी जी का आप मैंने विधायक है और आपके पास योगी जी का नंबर नहीं? आपको बात करने के लिए है और मेरे को बात करने के लिए ही है। मेरे को दिक्कत 1,05,000 रुपए कहाँ से आएगा? हम अपन बाप के घर से ले आएंगे, जो घर में सलाह खेती बाड़ी नहीं है कहाँ से ले आएंगे जी? देखो हमारी लगे पैसा देना, तुम पैसा दे दे कोरोना में। पैसा कोरोना में क्यों नहीं दे ले? पैसा तो अपने घर बनवा उतर जाते हम लोग। ओम प्रकाश राजवाल कौन सा तू हो कहो, घर बनवा उतर जाते हम लोग। सोचे तो ये ना कि मोदी सरवाई जाके भौरा चाहे चमार चाहे नोनिया चाहे गोड़ी चाहे तेल चाहे राजपूत जीवन कमाए आई बात तो ना, तो ये सोचे कि मोदी हम सबसे ठीक रही। फोन मत कटिया जाते हम लोग, फोन काटे के नहीं गए आपके, फोन कटे ही के नहीं के आप वीडियो कॉल वायरल हो आपके नहीं समझ में आवा, आपके ही समझ में आवा कि हम घोसी विधानसभा क्षेत्र से 15,000 वर्कर को बुला दिए तो बलिया यूपी के लिए क्यों नहीं बनता जी? तो भैया मेरे कह तो रहा हूँ कि जब बस जाए, ट्रेन आएगी तो आइएगा। उससे किरण किरण अभी 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 डीएसपी का नंबर दे रहा हूँ, काका एमएलए का नंबर दे रहा हूँ यहाँ का। कांग्रेस का आदमी बोला कि बैंगलैंड फैक्ट्री चलाना है मेरे को, फैक्ट्री चलाएंगे तो हमारे पास मजदूर नहीं रहेंगे, इसलिए भाइयों को मारा जा रहा है। यहाँ पे वीडियो बना के भेज दूँ आपको, भेजा हूँ कि नहीं भेजा हूँ? मैंने भेजा है, देखे वीडियो। तो देखे हैं तो आप क्या अंधा है जी? आप आइए पहले वहाँ से, आइए ट्रेन से आइए, फिर हम बात करेंगे। मैं तो आपसे बात करना ये चाहता हूँ ना, कल मेरा मीडिया पर वीडियो जाएगा और विजय राजभर जी, आप ओम प्रकाश मानी राजभर जी को और अनिल राजभर जी को ये सब अभी नेट पर चढ़ाएंगे सर,
और मैं इतना परेशान हूँ, यहाँ पे लोग इतना परेशान है कि आपको क्या बतलाएं। यहाँ पे 5 किलो 40 दिन में राशन मिला हुआ है और उसका प्रशासन का नंबर भी दे रहा हूँ मैं आपको, मैंने नंबर भी दे रहा हूँ सर। बतिया सुना कहा बोलो, अरे महाराज तू बात की हम आदमी मोहरत था, तू बात को ट्रेन से आदमी आराम से आई भेजो और कौन ट्रेन कल चालू करवा तो हम आई कल ट्रेन से, ट्रेन जाए हम बात करो सही बात करो बात को तो बतलाओ, तू बतली भी नहीं करबो हम जाने तो नहीं फोनो नहीं खजा उठा तो हम नहीं जाना। अब तो अभी फोनो से बतिया तो भैया कहाँ इतना इंतजार लगाओ थोड़ा इंतजाम तो भैया लागी कहे कहाँ लग तुम्हारे मऊ का वीडियो हम वायरल देख ले बने मऊ में सबसे ज्यादा घटना होता गरीब राजभर के पास पता है क्या मारा जाता है राजपूत मारा था गरियावत था सबसे ज्यादा तुम्हारे देख रही हूँ राजभर का देखो नहीं ओम प्रकाश मानिए राजभर जी के देख रहा हूँ मैं सबका देखता हूँ जी क्योंकि मैं कोई न विधायक हूँ न मंत्री हूँ ना कोई कुछ हूँ। तो सर जी हमारे इतना ही रिक्वेस्ट है और आपके पास योगी जी का नंबर तो दो क्या दिक्कत हो रहा है। कांग्रेस सरकार क्या बोला है कि कांग्रेस सरकार ये बोला है कि आप सूरज बाहुबली राजभर से बात हुआ सर बाहुबली राजभर बोला कि सूरज तू किसी का सपोर्टर है तो ये बताओ कि मैं किराया सब दिलवा रहा हूँ किराया के लिए ट्रेन चला चालू करवाए और उसके बाद पैसा हम लोग भुगतान करेंगे कांग्रेस सरकार भुगतान करेगी। तो आप लोग क्यों नहीं करवा रहे इसलिए नहीं करवा रहे हैं। क्या ना महाराज जी पहले बात सुन नहीं फोन मत कट फोन काटा हम तो फिर मीडिया के पास वायरल जाइए और आपका आपकी कोई बात नहीं है जी मोदी जी सरकार चाहे जो भी हो बात यह है कि हमारे यहाँ जो बंदे लेबर फंसे हुए हैं सब अन्य गढ़ फंसे हुए हैं सूरत में फंसे हुए हैं आप लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं कोई सरकार नहीं सहयोग कर रहा है उदय ठाकरे चाहे जो मर्जी हो सरकार क्या क्या एमएलए हो चाहे जो मर्जी हो नंबर चाहते हैं ना यहाँ मंडी का मैं नंबर दे रहा हूँ एसपी का नंबर हो डीएसपी का नंबर मैं दूंगा जी। ठीक है तू आवा से बात हुई यूपी में बुला के बात करबो फांसी लगाओगे बा फांसी काल लगवा ले तू ट्रेन काल खोलो हमें जैसे आओ तेरे तू फांसी लगा लिया हमारा के चंडीगढ़ से हमारे भाई सर से बात करो बतलाऊं तो कहीं से दूसरों अम्बाला से तो दूसरों लुधियाना से दूसरों थाना से तो दूसरों सरहिन से ऐसे ऐसे बंदे चलते हैं तो बंदे क्या करें है पुलिस मारता है लाठी तो बंद लाठी फाड़ जाती है बंदे को हाथ भी फाड़ जाता है क्या करेंगे बंदे। अब बतलाइए बंदे का हाथ फाड़ जाता है लाठी फाड़ जाती है बतलाओ क्या करेंगे बंदे। ट्रेन भैया विजय राजभर जी आप मेरी बात रुकेश सबसे कर चुका हूँ मैंने ओम प्रकाश राजभर जी से कैबिनेट में राजभर से और मान लीजिए कि अभी हमारा उमा शंकर विधायक जी जो है रसड़ा के उनसे रिक्वेस्ट कर चुका हूँ अनिगर जो भी नंबर हमारे पास है और यहाँ का नंबर लेना चाहते हैं काका एमएलए का चाहे जो भी नंबर लेना चाहते हैं डीएसपी का एसपी का नंबर हम दे रहे हैं आपको पर बात सर ये है कि यहाँ पे लाठी क्यों बरसा जा रहा है तू पैसा नहीं दे रहा खाने के लिए तो मार क्यों रहा है भैया। अब वहाँ के बारे में हम क्या बताएं बताओ क्यों नहीं बतलाओगे आप लोग सरकार केंद्र में आपकी है यूपी में सरकार आपकी है प्रधानमंत्री मोदी है तो क्यों नहीं बतलाओगे आप लोग किस लिए नहीं बतलाओगे जी। आपसे मांगा जा रहा है योगी जी का नंबर दीजिए नहीं दे रहे हैं आप लोग क्यों नहीं दे रहे हैं हम चोर है बेईमान है इतना गुस्सा है जो गरीब के पास खाने के लिए नहीं साला रोड पर मर गया रहा उसका गरीब आदमी घेगुच्चा पता है बिहार में बंदा है साला घेगुच्चा खा के जी रहा है उसको एक बार सोचिए आप लोग घेगुच्चा खा के कैसे जी रहा। ट्रेन चली तो हो खाना पहुँचा आप खाने पहुँचाओ ना हमारे घर खाना नहीं के पहुँचाओ जो खाना तो योगी है तुम प्रधानमंत्री मोदी को बोल मोदी को बोले खाने पहुँचाओ हमारे घर कल खाने नहीं के राशन अभी खाने नहीं के घर में हमारे लेकर भूकमान चार को पड़ नहीं कर किसानी किसान के भेजे तो नहीं किया भाई। ठीक बात करो भोजन पहुंची भोजन भोजन में अगर मान ली विजय राजभर जी मैं आपको मिलूंगा और मिलूंगा आपको मैं अनिल राजभर से आपसे जरूर मिलूंगा क्यों मिलूंगा कि इस बीजेपी की सरकार में चाहे जो सरकार है समर्थन योग संगठन है मैं प्रणाम ये करता हूँ कोरोना वायरस है कोरोना वायरस मैं मानता हूँ पर बात यह है कि जो बंदा भूखा मर जाए यहाँ यूपी बिहार का बंदा बलिया जिला का उसका मानिए कि जो भी बात है
उमा शंकर जी जो 5,000 कन्याओं का दान किया हूँ मैं समर्थन करता हूँ जी, पर आप लोग 5,000 का कन्या क्या 1 करोड़ भी नहीं दिए, 1 लाख भी नहीं दिए किसी गरीब आदमी को। आप लोग तो ये सोचते हैं कोठी बना के रख लो, माने ओम प्रकाश क्या बोलता है 4 करोड़ दिए हम, 4 करोड़। 4 करोड़ अच्छा बात है ना, 4 करोड़ दिए हैं। हाँ तो आप योगी जी का नंबर क्यों नहीं दे रहे हैं? योगी जी का नंबर हमें लेके ना भैया, कैबिनेट मंत्री के पास अनिल यादव के पास फोन आ रहा, फोन करता हूँ तो वो नहीं उठाता है, तो वो पता क्या बोलता है, हमारे पास नंबर नहीं। आप बोलते हमारे पास नंबर नहीं है, उमा शंकर सिंह के पास फोन किया तो अभी नंबर नहीं। आपके पास वीडियो भेजू मैं? नहीं हमारे पास ना भेजे थे, तुम्हारे विधायक होकर लेके भेजे भैया। हमारे विधायक क्यों नहीं थे? हम यहाँ विधायक विधायक से लड़ता नहीं, यहाँ ऊपर ना भूखे मरता विधायक से लड़ता नहीं हो। नहीं लड़ा मत, ट्रेनिया चली जा रही हो, ट्रेनिया चली ना चल भाई भाई, हमारे घर में राशन नहीं था, अगर शाम तक राशन ना आई तो अब तुम्हारे से फिर रात के 12 बजे 1 बजे फोन लगाए, सूटे ना दूँ तो लोग क्या भाई ना, वो भाई रह लती ना, भाई रह लती तो तू हमारे फोन उठा ले रहो तो भाई रह लती तो यहाँ 1,05,000 रुपया अपनी यहाँ जाए ना घर तो खर्चा लेवे पड़ी घर वासे। अरे आप तो बात भैया वहाँ आवा तरी तू आ लोग बांधा गए सर तो वीडियो वायरल हुई, अभी बात क्या सोच कर जाए इन लोग, आप लोग सोचते नहीं पता का कि सर हम मर जाऊं सो हमने को कोठी बनवा लिया जा, कोठी क्यों ना बनवा बिरादरी का बार बिरादरी का छोड़ दे मार दो नहीं वो तरी अस्पताल में मेहरारू 12 अस्पताल में बच्चा दे दिया पेट में दर्द हो तर वीडियो हम देख ले रही महाराज, वो बात ना कर जाए बात ही कर जाए समर्थन में हो को जो आदमी फसल में सो को छुड़ावा जाता हूँ लोग। चलो चलो प्रयास करो, नंबर चाहिए तो क्या हम लेकर नंबर हम तरी को व्हाट्सअप करते नहीं बोलो हाँ आनंद डीएसपी का नंबर चाहिए तो आनंद वर्मा डीएसपी का नंबर मैं संपर्क करता हूँ आपसे। करिए करिए सबका करिए। हाँ कर रहा हूँ आपको। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर खबर अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ताजा तरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।